हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। ये वीडियो बनाई है मैंने आपको रिफ्रेश रेट के बारे में जानकारी देने के लिए, यानी कि ओप्पो रेनो 8T के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, उसे आप कैसे कस्टमाइज करें। आप 60 हर्ट्ज भी यूज कर सकते हैं, 90 हर्ट्ज भी यूज कर सकते हैं, और किन किन कंडीशनों में 60 हर्ट्ज यूज होगा और किस कंडीशन में आप 120 हर्ट्ज यूज कर सकते हैं। तो आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। हाई स्क्रीन रिफ्रेश रेट एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग आइकन पर टैप करना है, उसके बाद मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा आप कीजिएगा और यहां पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप टैप कीजिएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, यहां पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलेगा। स्क्रीन रिफ्रेश रेट ऑप्शन में यहां पर एक एनिमेटेड विंडो दी हुई है कि हाई रिफ्रेश रेट करेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा और स्टैंडर्ड रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा। स्टैंडर्ड रेट यदि आप रखते हैं तो आपकी जो बैटरी कंजम्पशन होगी वो कम होगी, और यदि हाई रखते हैं तो आपको स्मूथर एक्सपीरियंस जरूर होगा लेकिन बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होगा। लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन है, सम एप्लीकेशन विल स्टिल रन एट 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बिकॉज ऑफ कंपेटेबिलिटी, यानी कि वो उसके लिए कंपेटेबल नहीं है। अभी हो सकता है पुरानी कोई एप्लीकेशन है जो डेवलप हो चुकी है तो वो 60 हर्ट्ज पे ही काम करेगी। और एक कंडीशन है, यदि मान लीजिएगा कि आपने अपने मोबाइल में पावर सेविंग मोड ऑन कर दिया, जैसे ही मैंने पावर सेविंग मोड ऑन किया तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड पे आ जाएगा, क्योंकि पावर सेविंग का मतलब है कि आप अपने मोबाइल की पावर को स्टोर करना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, और हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से आपके मोबाइल में पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है। तो जैसे ही आप पावर सेविंग मोड ऑन करेंगे, देखिए कि मैंने दोबारा से ऑन किया इसको, तो ऑटोमेटिकली ये हाई रिफ्रेश रेट से स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट पे आ जाएगा, यदि आप खुद से सिलेक्ट नहीं करते हैं तब। तो फ्रेंड, रेनो 8T के अंदर हाई रिफ्रेश रेट और लो रिफ्रेश रेट कैसे इस्तेमाल करें आपको पूर्ण जानकारी हो गई है। दूसरी चीज है कि आप अपने मोबाइल में भी चेक कर लीजिएगा कि आपके मोबाइल में भी ये हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है या नहीं है। अगर है तो आप इस्तेमाल करें और जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल करें। कैसी लगी ये वीडियो? ऐसी बहुत सारी ऑपरेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Thank you.